हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज है संडे और अभी दोपहर का 1:30 या 2 बज रहा है। तो सुबह हम लोग गए थे मीटिंग, उसके बाद आने के बाद खाना वाना खाया, उसके बाद ये बच्चों का ड्रेस था तो ये सब मैं अभी धो रही हूँ। और वैसे भी बारिश हो रही है और कल सुबह तक इसको सुखाना है, तो देखते हैं कैसा सूखता है ये। अभी मैं धो के यहीं पर डाल दूँगी, थोड़ा पानी निकल जाएगा ना अच्छा से, उसके बाद मैं इसको अंदर सुखा दूँगी। रात भर में पंखा में सूख जाएगा तो इन लोग सवेरे पहन सकते हैं। तो आज मैं यही दिखाने वाली हूँ, ड्रेस धोने वाला ब्लॉग, क्लॉथ वॉशिंग ब्लॉग, तो वीडियो को पूरा देखना। तो अभी मैं डुबा के रखी हूँ इसको, और मैं सरफ में नहीं डुबाई हूँ, वो लिक्विड वाला एक सरफ आता है ना उसमें डुबाई हूँ। और ये बीड़ा भी यहाँ पे गिल्ला हो गया था तो मैं इसको कपड़ा से पोंछ ली हूँ। और वैसे भी बारिश हो रही है, अभी थोड़ा सा बंद है लेकिन थोड़ा थोड़ा टपक ही रहा है हल्का हल्का। तो यहाँ पर ना मेरे को मांजना था पहले, बर्तन साफ करना था, लेकिन मैं सोची कि फिर अगर बर्तन लेके बैठूंगी तो और देरी हो जाएगा, फिर इन लोग का कपड़ा जितना देरी होगा धुलने में उतना देरी हो जाएगा सूखने में, तो इसीलिए मैं सोची कि पहले कपड़ा धो लेती हूँ उसके बाद ये बर्तन कर लूँगी। ये बर्तन वाला वीडियो आप लोग को कल के वीडियो में देखने को मिलेगा, कल के ब्लॉग में। अभी बस मैं कपड़ा का ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं सरफ में डुबा के रख दी थी कपड़ा को, उसके बाद इसमें लगा रही हूँ साबुन। जहाँ जहाँ गंदा है ना वहीं साबुन लगाऊंगी, पूरा कपड़ा में नहीं लगाऊंगी। और ये एक दिन पहना वाला ड्रेस है, बिट्टू का है ये, इसको पहनता है ये शनिवार को, शनिवार और बुधवार को दूसरा ड्रेस रहता है इन लोग का और बाकी दिन दूसरा। तो बस वही वाला अभी मैं धो रही हूँ यहाँ पे फटाफट। तो देखते रहिए, और जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद ना आए और सब्सक्राइब ना करो तो शेयर कर देना, लेकिन कुछ तो कर ही देना। ये कपड़ा ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है बस ऐसी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही, बस ऐसी कर धो के रख देती, इतना धोने से साफ हो जाता है ये। ज़्यादा गंदा कपड़ा अगर रहता है ना तो उसको आधा एक घंटा सरफ में डुबा के रख दो तो वो जल्दी साफ हो जाता है। और ये जेनी का है, बारिश में ना वही रहता है कपड़ा, सुखाने का बहुत मुश्किल हो जाता है, सूखता नहीं है। और ये कपड़ा ऐसा है ना, इसको मशीन में भी धो नहीं पाती, मशीन के लिए भी अभी बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है, वो भी धोना है। पर इसमें एकदम बटन वटन रहता है ना, टूट जाता है एकदम से, मशीन में खिंचा जाता है, मुड़ जाता है, इसीलिए सब कपड़ों को हाथ से धोना पड़ता है। और सुखाने के लिए भी क्या है, तो ये थोड़ा सा कपड़ा है ना, तो मशीन में अगर डालूंगी भी ना सूखने के लिए तो वो नहीं बनेगा, उसमें जब तक पूरा भर के अच्छे से नहीं डालो ना तब तक वो अच्छे से घूमता नहीं है। ज़्यादा कपड़ा रहता तो उसी में डाल के सुखा देती। और इसका ये जुराब है जो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, एक तो वाइट वाइट कपड़ा है और इतना गंदा होता है। स्कूल ड्रेस को वाइट क्यों बनाते हैं पता नहीं, ग्रे बनाना चाहिए, भूरा या कत्था, जो गंदा हो तो भी गंदा दिखे ना, लेकिन स्कूल ड्रेस एकदम वाइट वाइट सा रहता है। और वो भी बच्चों का कपड़ा, बच्चों का कपड़ा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है।
लेती हूँ फटाफट, और निचोड़ के पहले तो मैं यहाँ पर रख दूंगी ताकि उसका पानी थोड़ा सा निकल जाए, उसके बाद मैं इसको निचोड़ निचोड़ के एक एक करके सुखा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और वीडियो को पूरा देख के जाना, ऐसे छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी मैं सुखाने वाली हूँ इसको, कपड़ा को। और यहाँ पर जो रस्सी टंगा हुआ है ना, उसमें पहले का भी कपड़ा था और अभी भी रेनकोट वेनकोट कुछ कुछ यहाँ बहुत सारा कपड़ा सूखी रहा है, ये सब हटा दूंगी। उसके बाद मैं इसको कुछ कुछ जो 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 सूखा था ना उसको हटा दी, फिर उसके बाद मैं इसको सूखा दूंगी। मौसम बहुत अच्छा है वैसे, ऐसे मौसम में ना काम करने में अच्छा लगता है। नहीं है ना।